नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अमरीश बालियान पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी में आज पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो कार्यक्रम जारी किया है उसके अनुसार यूपी में 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को चार चरणों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। अब हम आपको चरण वाइज हर चरण में किस क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो पूरे विस्तार से बताना जा रहे हैं। पहले चरण के लिए जो नामांकन शुरू होंगे वे 3 अप्रैल से और 4 अप्रैल तक होंगे। 5 अप्रैल से 6 अप्रैल तक उनकी जांच की जाएगी और नाम वापसी के लिए 7 अप्रैल का समय निर्धारित किया गया है। 7 अप्रैल को ही चुनाव चिन्ह का आवंटन कराया जाएगा, 5 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा और 2 मई को मतगणना होगी। आपको बता दें कि सभी चार चरणों के लिए मतगणना की तिथि 2 मई ही निर्धारित की गई है। दूसरे चरण में 7 से 8 अप्रैल तक नामांकन दाखिल होंगे, 9 से 10 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की जांच होगी, 11 अप्रैल को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि निर्धारित की गई है। तीसरे चरण के लिए 13 और 15 अप्रैल को नॉमिनेशन फाइल होंगे, यानी कि नामांकन पत्र दाखिल होंगे, पर्चे भरे जाएंगे। 16 से 17 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की जांच होगी, 18 अप्रैल को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि निर्धारित की गई है। चौथे चरण के लिए 17 से 18 अप्रैल तक नॉमिनेशन होंगे, जबकि 19 से 20 अप्रैल तक इन नामांकन पत्रों की जाँच होगी और 21 अप्रैल को नामांकन पत्रों की वापसी, नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि निर्धारित की गई है। आपको फिर से बता दें कि सभी चरणों की वे मतगणना का कार्य 2 मई को किया जाएगा, यानी कि प्रधान पद, जिला पंचायत, ब्लॉक समिति सदस्य या ग्राम पंचायत समिति सदस्य के सभी के चुनाव परिणाम 2 मई को सामने आएंगे। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में किस चरण में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल के जिले सहारनपुर में पहले चरण यानी कि 15 अप्रैल को मतदान होगा, मुजफ्फरनगर में 19 अप्रैल को और शामली में 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। मेरठ मंडल में गाजियाबाद में पहले चरण यानी 15 अप्रैल, बागपत और गौतम बुद्ध में 19 अप्रैल, मेरठ में 26 अप्रैल और बुलंदशहर और हापुड़ में आखिरी चरण यानी 29 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। मुरादाबाद मंडल के जिला रामपुर में पहले चरण यानी 15 अप्रैल, बिजनौर और अमरोहा को दूसरे चरण यानी 19 अप्रैल और मुरादाबाद में 26 अप्रैल तीसरे चरण में मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा संभल जिले में 29 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। बरेली मंडल के बरेली जिले में पहले, बदायूं में दूसरे, पीलीभीत में तीसरे और शाहजहाँपुर में चौथे चरण में मतदान कराया जाएगा। अलीगढ़ मंडल के हाथरस में पहले, एटा में दूसरे, कासगंज में तीसरे और अलीगढ़ में चौथे चरण में मतदान कराया जाएगा। आगरा मंडल के आगरा में पहले, मैनपुरी में दूसरे, फिरोजाबाद में तीसरे और मथुरा में चौथे चरण में मतदान कराया जाएगा। कानपुर मंडल में कानपुर नगर में पहले, कन्नौज और इटावा में दूसरे, औरैया और कानपुर देहात में तीसरे और फर्रुखाबाद में चौथे चरण में चुनाव कराया जाएगा। अब आते हैं झांसी मंडल पे, तो झांसी मंडल में झांसी जिले में पहले, ललितपुर में दूसरे और जालौन जिले में तीसरे चरण में मतदान कराया जाएगा। चित्रकूट मंडल में महोबा जिले में पहले, चित्रकूट में दूसरे, हमीरपुर में तीसरे और बांदा जिले में चौथे चरण में मतदान कराया जाएगा। प्रयागराज जो कि अब तक इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उसमें प्रयागराज में पहले, प्रतापगढ़ में दूसरे, फतेहपुर में तीसरे और कौशाम्बी में चौथे चरण में मतदान कराया जाएगा। लखनऊ में, लखनऊ मंडल के रायबरेली जिले में पहले, हरदोई में दूसरे, लखनऊ में लखनऊ मंडल के रायबरेली और हरदोई में पहले, लखनऊ और लखीमपुर खीरी में दूसरे, उन्नाव में तीसरे और सीतापुर में चौथे चरण में चुनाव कराया जाएगा। अब आते हैं अयोध्या मंडल पे, तो अयोध्या मंडल के अयोध्या जिले में पहले, सुल्तानपुर में दूसरे, अमेठी और बाराबंकी में तीसरे और अंबेडकर
अयोध्या मंडल में अयोध्या जिले में पहले, सुल्तानपुर में दूसरे, अमेठी और बाराबंकी में तीसरे और अंबेडकर नगर जिले में चौथे चरण में चुनाव कराया जाएगा। देवीपाटन मंडल के श्रावस्ती जिले में पहले, गोंडा में दूसरे, बलरामपुर में तीसरे और बहराइच जिले में चौथे चरण में चुनाव कराया जाएगा। बस्ती मंडल के संत कबीर नगर में पहले, सिद्धार्थ नगर में तीसरे और बस्ती जिले में चौथे चरण में चुनाव कराया जाएगा। गोरखपुर मंडल के गोरखपुर में पहले, महराजगंज में दूसरे, देवरिया में तीसरे और कुशीनगर जिले में चौथे चरण में चुनाव कराया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी मंडल के वाराणसी मंडल के जौनपुर में पहले, वाराणसी में दूसरे, चंदौली में तीसरे और गाजीपुर में चौथे चरण में चुनाव कराया जाएगा। विंध्याचल मंडल के भदोही में पहले, मिर्जापुर में दूसरे और सोनभद्र में तीसरे चरण में चुनाव कराया जाएगा, चौथे चरण में चुनाव कराया जाएगा। और आजमगढ़ मंडल में, आजमगढ़ जिले में दूसरे, बलिया में तीसरे और मऊ में चौथे जिले में मऊ में चौथे चरण में चुनाव कराया जाएगा। एक आपको एक बार फिर से बता दें कि सभी जिलों में पंचायत चुनाव की मतगणना का कार्य एक साथ 2 मई को कराया जाएगा, यानी कि 2 मई को ग्राम प्रधान, BDC, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य हर पद के चुनाव परिणाम हमारे सामने होंगे। आपको पूरे चुनाव कार्यक्रम और किस जिले में किस तारीख में मतदान होगा उसकी पूरी सूची भी हम आगे दिखाने जा रहे हैं।